क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज अब्दुल। अब्दुल यस सर। आपका नंबर क्या है? सर मेरा तो नंबर नहीं है। नंबर है नहीं? तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा नंबर नहीं है पहले नंबर लिखवा के आओ, तभी तुम्हारा ऑडिशन होगा। कि मेरी नजर तुम पर पड़ी थी, पता नहीं कि जब मैं एंट्री मारी सीधा मैं ब्लू शर्ट पर मेरी नजर पड़ी है, और अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, तुम्हारा मौका आते आते ही चला गया। अपना नंबर लिख आओ। रिपीट, लेट्स गो अहेड। इसका नंबर ही नहीं, हम क्या करेंगे? आप नंबर लेके आओ, तब तक हम दूसरे कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। वी आर रेडी फॉर MUM 1891। अब्दुल, तुझे क्या बोला था कि तू नंबर लिखा के ला? यस यस यस, लिखवा दिया सर। नंबर क्या है? MUM 3228। टाइम क्या हुआ है? घड़ी देख, 12:30। अरे तेरा टाइम नहीं आया। नेक्स्ट कंटेस्टेंट बुलाते हैं। KOL 3192 प्लीज। अब्दुल, अब तो आ गया इसका। अब्दुल सुन, एक वक्त मैंने पूछा टाइम क्या है, तूने टाइम बताया, नंबर के बारे में बताया। अब मेरा सवाल है अब्दुल, तूने खाना खाया, लंच खाया? सर मेरा वक्त कब आएगा? तूने क्या खाया? मैंने दाल चावल खाए। इतने भरे पेट पर कौन अच्छा गाना गाएगा? सो जा बेटे, झपकी लगा। बेटे सो जा, झपकी ले ले, चल लेट्स गो टू द नेक्स्ट। आते हैं अगले कंटेस्टेंट। एक मिनट नीति, नीति प्लीज एक मिनट। अचानक अभी खत्म हुआ है, जिस कंटेस्टेंट को बुलाना है मैं बताता हूँ। अब्दुल सर अब तो बुला लो, आज स्टेज पर आ जा। क्या हो गया अब्दुल? यस सर। रेडी हो? यस सर। तैयार हो? यस सर। लाइटिंग कैसी लग रही है? देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो तेरे बहुत शानदार है। पक्का? पक्का। स्टेज कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छी बात। अब्दुल तीनों जजेस कैसे लग रहे हैं? किसकी तारीफ करना चाहता है तू? नीति मैम। एक काम कर, तूने मौका गवा दिया, इधर के बैठ जा वापस। चल इधर आ जा, वापस जा। नीति मैम, नीति मैम। हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर बैठ जाए, इधर। अब तो तेरा भी तक जाएगा। क्या चांस मिला था, स्टेज पर पहुंच गया था, एक छोटी सी गलती से वापस आ गया। देख अब तो तेरा भी कट जाएगा, अब तो तेरा भी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट बुलाते हैं। MUM 3228 हाजिर हो। किधर है? अरे अब्दुल तू क्यों खड़ा हुआ? सर 3228 मैं हूँ। तो मैंने ना बोला है? आओ अब्दुल, आओ आओ आओ। फाइनली थोड़ा तालियां हो जाए पहले अब्दुल के लिए, इतनी एक्साइटमेंट। मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है अब्दुल? आपका नाम मत बताना। कहाँ से आए हो ये बता सकते हो? मैं मुंबई से हूँ, अंधेरी, और मैं यहीं पला बड़ा हूँ। और आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, और अभी मैं लाइक आई एम इनटू म्यूजिक पूरी तरह से, और मैं सीख रहा हूँ उस्ताद लियाकत अली खान से अभी फिलहाल, वो मेरे उस्ताद हैं। और कितने साल से सीख रहे हैं आप? पिछले 7 साल से गंडा बनवा के हो गया। वाह। और आप म्यूजिक में लाइक क्या क्या करते हो? लाइक आर यू कंपोजिंग, प्रोड्यूसिंग, सिंगिंग, क्या करते हैं? मैं कंपोज करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, और जैसे कि अभी इट्स बीन 4 years नाउ, 4 साल हो चुके हैं, मैं स्क्रैचेस गाने जाता हूँ जैसे स्टूडियोज में कंपोजर्स के यहाँ। तो मैं ये नहीं सोचता कि ये स्क्रैच हो सकता है, मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं एक फाइनल गाना गा रहा हूँ। ये जो है ना ये सपना, मैं उसको 100% से ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ हर बार। स्क्रैच का मतलब ये होता है कि जब आप एक फिल्म के कोई या एल्बम के फाइनल वर्जन के गाने का एक डमी बनाते हो, तो वो एज अ डमी सिंगर आपको बुलाते हैं। उसमें ये फाइनल नहीं होता कि आपकी ही वॉइस जाएगी, ये बोला जाता है कि हम ट्राई करेंगे आपकी वॉइस पिच करने के लिए, बट एट द एंड
ये होता है कि डमी वॉइस जाती है और वो स्क्रैप हो जाता है। 4 साल हो चुके हैं स्क्रैच की जोनी को, सामने लोग बोल देते हैं कि अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट फिर हो नहीं पाता, फिर ऐसा होता है कि हमने तो किसी और से गवा लिया, तो बहुत ही एक डिप्रेसिंग चीज हो जाती है हर सिंगर के लिए। मैं जैसे घर पहुंचता था रात में, जैसे कभी 1 बज जाता था, कभी 1:30 बज जाता था, ऐसा होता था, तो मॉम मेरा वेट करती थी हमेशा, और मेरे आने से पहले वो खाना नहीं खाती थी पहले, तो जब मैं आऊंगा वो मेरे साथ खाना खाती थी, और वो उनका एक सवाल होता था कि बेटा आज कुछ हुआ। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी मम्मी को बताया ही नहीं कि आज, मैंने बोला कि आज कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि मैं गा के आ चुका था, बिकॉज मैं भी फॉल्स होप दे रहा हूँ अपनी मॉम को। मेरी मॉम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है मुझसे, तो आई थिंक ये मंच, इतना बड़ा मंच, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आगे जाऊं ना जाऊं, बट मैं यहाँ खड़ा हूँ, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सर। अब्दुल, अब तक आपने कितने स्क्रैच गाए? सर मैंने अभी तक 300+ स्क्रैच गा दिए हैं। और 300+ स्क्रैच गा चुके हो? हाँ जी सर। रिलीज कोई नहीं हुआ? रिलीज कोई नहीं हुआ। यू हैव अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसको खोना नहीं सर, ये अपॉर्चुनिटी बहुत नसीब वालों को मिलती है। ऑल द बेस्ट, छा जाओ, कम ऑन। थैंक यू, थैंक यू सर। एंड 3, 2, 1 एंड क्लिक्स प्लीज। वो स्क्रैच सिंगर जो ऐसा गाता है कि वो इतिहास रच सकता है। अब्दुल वो स्क्रैच सिंगर है जो पता नहीं कहां कहां स्ट्रगल कर चुका है म्यूजिक इंडस्ट्री में, लेकिन अभी तक किसी ने अब्दुल की वो पोटेंशियल को समझा ही नहीं। इस वक्त सारेगामापा मंच पर तुमने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
और उस परफॉर्मेंस के बिना पर अगले राउंड में जाने के लिए उस स्क्रैच सिंगर अब्दुल के लिए मेरी हां है। अब्दुल, तुम्हारे गले को जितने संगीतकार स्क्रैच कर रहे थे, तुम्हारे गले को जितने लोग स्क्रैच कर रहे थे, अब वही कंपोजर्स चम्मच में खीर डाल के तुम्हें खिलाएंगे। थैंक यू सो मच सर। माँ जब बोलेगी बेटा आज कुछ हुआ, तो बोलना जी हाँ आज कुछ हुआ। क्या हुआ? कि मुझे सारे गामा पा में सिलेक्ट किया गया है। दो लोगों ने तो हाँ कर दी है। मैंने तो पहले ही आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। अब्दुल जल्दी इधर भाग के आ जाओ, आपका फ्यूचर ब्राइट है। माँ जो हर रोज पूछती थी अब्दुल से कि आज कुछ हुआ क्या, आज सिल्वर मेडल में अब्दुल शायद वो जवाब ढूंढ लाया है।